आज हम पढ़ा मुझे आपकी इकोनॉमिक्स जो है उसमें आपने कल जो पढ़ा था वो था आपकी विशेषता थी सामाजिक नेटवर्किंग के। अब जो सामाजिक नेटवर्किंग का शैक्षिक उपयोग क्या होता है, शिक्षा में इसका क्या उपयोग है वो हम पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक नेटवर्किंग का शैक्षिक उपयोग। शिक्षा में इसका क्या उपयोग है, पहला उपयोग है उसका छात्रों को तकनीकी ज्ञान। इससे क्या होता है, छात्रों को जो टेक्नोलॉजी का जो नॉलेज है वो नहीं होता है, तो जब वो सोशल नेटवर्किंग का उपयोग करते हैं तो उन्हें सबसे पहले जो नॉलेज होना चाहिए वो तकनीकी ज्ञान होना चाहिए, और इसके उपयोग से उन्हें तकनीकी ज्ञान स्वतः ही आ जाता है। यानी जब उपयोग में आते हैं इसके संपर्क में आते हैं तो उनके अंदर तकनीकी ज्ञान जो है वो आ जाता है। जैसे वेबसाइट्स का यूज़ करना, कोई सोशल नेटवर्किंग पे जाकर कोई एजुकेशनल साइट्स का यूज़ करना, उससे उनके अंदर फेसबुक है ट्विटर इसका उपयोग करते तो तकनीकी ज्ञान उन्हें आ जाता है कि इसको कैसे संचालन करना है। नेक्स्ट है छात्रों को पड़ोसियों के शैक्षिक स्तर का ज्ञान। छात्रों को पड़ोसियों की शैक्षिक स्तर का क्या है, यानी कि जो छात्रों के जो शैक्षिक मतलब जो पड़ोस के स्कूल हैं या पड़ोस के राज्य में जो शैक्षिक स्तर है विद्यार्थियों का वो उन्हें सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से पता चलता है कि दूसरे राज्य में या दूसरे देश के अंदर जो शैक्षिक स्तर है, जो शिक्षा का स्तर है वो किस स्तर का, या यहाँ पर वहाँ पर शिक्षा के लिए कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई जा रही है, कौन कौन से विधियाँ अपनाई जा रही है, किस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है, तो नई तकनीकी ज्ञान कौन होता है। इस साथ साथ जो उनके पड़ोस के जो स्कूल्स हैं, जो राज्य स्तरीय स्कूल है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय स्कूल है, वहाँ का शैक्षिक स्तर क्या है वो उन्हें सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से ही पता लगता है। विभिन्न प्रकरणों पर व्यापक ज्ञान, विविध प्रकरणों पर व्यापक ज्ञान, यानी जो विभिन्न स्तर के प्रकरण होते हैं, यानी कि आज हम सिर्फ एक टॉपिक पढ़ रहे हैं सामाजिक नेटवर्किंग का शैक्षिक उपयोग। तो मान लीजिए इस टॉपिक पर मैंने आपको जो पढ़ाया इसमें आपको और अधिक जानकारी लेनी है और व्यापक जानकारी लेनी है तो हम सोशल नेटवर्किंग का सहारा लेके जो हमारे एजुकेशनल साइट से वहाँ पर जाकर यदि हम इसको सर्च करेंगे तो इसके बारे में और अधिक जानकारी हमें मिल सकती है। हम किताबों से एक सीमित ज्ञान अर्जित करते हैं पर सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जो प्रकरण होंगे उनका हम व्यापक स्तर पर नॉलेज ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनुसंधान कार्यों में उपयोग। अनुसंधान कार्यों में उपयोग, जो अनुसंधान के कार्य होते हैं, जो खोजबीन की जाती है, अंतरिक्ष संबंधित कार्य होते हैं, उनमें भी इसका जैसे किसी देश में बालिकाओं द्वारा सामाजिक नेटवर्किंग का उपयोग किया जाता है तो वहीं बालकों द्वारा सामाजिक नेटवर्किंग का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। जैसे इससे होता है कि बालिका को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है तथा उनका शैक्षिक स्तर कम, इसलिए बालिका शिक्षा में प्रगति की आवश्यकता है। इस प्रकार के आंकड़े भी प्राप्त किए जाते हैं जो कि अनुसंधान कार्य, यानी हमें कोई आंकड़े प्राप्त करने कि किसी देश में बालिका द्वारा सामाजिक नेटवर्किंग का जो उपयोग है वो किया जाता है, वहीं बालकों द्वारा जो सामाजिक लड़कियों द्वारा तो किया जा रहा है लड़कों द्वारा व्यापक स्तर पर किया जाता है। इस प्रकार पता चलता है कि जो बालिकाओं का जो शैक्षिक स्तर है वो कम है, तो इस प्रकार के जो आंकड़े हमें मिलते हैं वो अनुसंधान का ही एक पार्ट होता है, तो अनुसंधान कार्य में ये एक सार्थक सिद्ध होता है। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप शिक्षा। सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप शिक्षा, यानी कि क्या है कि समाज में जो व्यवस्था चल रही है, भारतीय प्राथमिक शिक्षा के लिए उन खेलों की व्यवस्था की जाती है तो जिसमें धन की आवश्यकता नहीं होती, किन किन में नहीं होती, कबड्डी खो खो आदि, जबकि इस प्रकार सामाजिक नेटवर्किंग का उपयोग करके सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप शिक्षा प्रदान करने किया जाता है।
यानी कि किसी देश जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति को समाज की आर्थिक राजनीतिक और परंपराएं जो है उसकी स्थिति की पता सामाजिक जो नेटवर्किंग उसकी सहायता से मिलती है। इसलिए जो शिक्षा संबंधी जो नीतियों का निर्माण है उसमें सहायता मिलती है। जैसे भारतीय प्राथमिक खेल है, खेलों की व्यवस्था की जाती है, ऐसे खेलों की व्यवस्था जिसके अंदर धन की आवश्यकता ना हो, जैसे खो खो कबड्डी आदि, तो इन सब तो समाज के अनुरूप यानी कि समाज के अनुरूप जो शिक्षा की व्यवस्था की जाती है वो सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से ही की जाती है। नेक्स्ट हमारा शैक्षिक नीतियों का निर्माण। शैक्षिक नीतियों का निर्माण यानी कि जो शैक्षिक जो नीतियां होती है वो इसके माध्यम से शैक्षिक नीतियों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट हमारा विद्यालय व्यवस्था में उपयोग। विद्यालय व्यवस्था में जो विद्यालय की व्यवस्था की जाती है, जो मैनेजमेंट किया जाता है, हमें अरेंजमेंट करने वो भी हम सोशल नेटवर्किंग की सहायता से इजीली कर सकते हैं। दूसरे विद्यालय में जो वार्तालाप करना है, हमें कोई खेल का आयोजन करना है दूसरे विद्यालय के साथ में, तो हम सोशल नेटवर्किंग की सहायता से हम एडवर्टाइजमेंट निकाल सकते हैं कि हमारे विद्यालय में आगामी दिवसों में इस शिविर का या इस खेल का आयोजन किया जा रहा है। तो जो भी इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो दूसरे स्कूल वालों के पास भी विज्ञापन सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से जाएगा और वो अपने नाम भी सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से लिखवाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा अधिकतम वातावरण का सृजन। अधिकतम वातावरण का सृजन, जो हमारा अधिकतम का वातावरण का सृजन होता है, इससे यानी कि अधिकतम यानी सीखने का एक वातावरण बन जाता है सोशल नेटवर्किंग से, क्योंकि हम विभिन्न प्रकरणों पर व्यापक स्तर पर जानकारी ले सकते हैं। सामाजिक जो व्यवस्था हमारी शिक्षा के चलती है उसकी जानकारी हम ले सकते हैं, तकनीकी ज्ञान हमें मिलता है। तो एक तरह से सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से जो सीखने का वातावरण है वो क्रिएट होता है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है शिक्षकों द्वारा सोशल नेटवर्किंग का उपयोग। शिक्षकों द्वारा सामाजिक नेटवर्किंग का उपयोग यानी कि शिक्षक है, जो टीचर्स है, उनके द्वारा भी सामाजिक नेटवर्किंग का उपयोग किया जाता है। मान लीजिए मैं विषय पढ़ा रही हूँ जिसके ऊपर मुझे थोड़ी सी कम जानकारी हो और किताबों में जो ज्ञान दिया गया वो संक्षिप्त दिया गया और मैं उसको और अधिक अच्छे से डालना चाहती हूँ, तो उसके लिए सोशल नेटवर्किंग का सहारा लिया जाता है, जहाँ पर हमें अच्छे से उसकी जानकारी व्यापक स्तर पर उसकी जानकारी हमें मिल जाती है। नेक्स्ट जो हमारे प्रभावी शिक्षक अधिगम प्रभावी शिक्षण अधिगम, इसके माध्यम से जो हमारे शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है वो प्रभावी हो जाती है। इसके अलावा और भी पॉइंट्स हैं जैसे स्वतंत्र विचारों का आदान प्रदान करना, हम इसके माध्यम से हम क्योंकि हम जब कक्षा में होते हैं तो हम एक क्राइटेरिया में सीमित होते हैं, लिमिटेड होते हैं, हम उसमें लिमिटेड एरिया में या एक क्षेत्र निर्धारित होता है हम उसमें ही बोलते हैं, और जो सोशल मीडिया होती है उस पर हम हमारे विचारों को बोलने में आदान प्रदान करने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। हमारे मन में कोई शंका नहीं होती, हम किसी प्रकार की जो वार्तालाप होता है उसको निसंकोच कर लेते हैं। फिर हमारा रुचिपूर्ण अधिगम प्रक्रिया, ये एक रुचिपूर्ण अधिगम प्रक्रिया है। तो आज जो हमने पढ़ा था सामाजिक नेटवर्किंग का शैक्षिक उपयोग, तो आपने देखा कि कौन कौन सा उपयोग है, यदि आपको उसको समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।